नागपुर नगरी की पहचान बन चुकी श्रीराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा शहर के श्रद्धालु जनों एवं विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से 53 सालों तक अखंड रूप से निकलती रही, लेकिन वर्ष 2020 तथा 21 में कोरोना महामारी की परिस्थिति में जनस्वास्थ्य को देखते हुए स्थगित रही। इस वर्ष भी आयोजन के प्रति उत्साह व उत्सुकता के बीच पहले की तरह विशाल रूप में न सही लघु रूप में इसे निकालने के सुझाव भी आए, पर मार्च के तृतीय सप्ताह तक कोरोना जन्य प्रतिबंध पूरी तरह शिथिल नहीं हुए, इसीलिए समिति ने विचार विमर्श पर गंभीर चिंतन के बाद इस वर्ष शोभा यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। यह भी निश्चय हुआ कि मंदिर परिसर में परंपरागत रूप से चल रहे आयोजन उत्साहपूर्वक किए जाएंगे। संयोगवश आगामी वर्ष 4 मार्च 2023 को मंदिर की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति ने शताब्दी वर्ष की श्री राम नवमी शोभा यात्रा को पूरी शक्ति एवं उत्साह से आयोजित कर एक यादगार बनाने का अनुरोध किया है। नव संवत्सर वर्ष 2079 गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ हो चुका है एवं प्रतिदिन शाम में 7 से 10 बजे भजन संध्या नगर के प्रसिद्ध गायकों द्वारा संगीत में भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोरोना के कारण गत 2 वर्षों से हम लोग इसे नहीं कर सके, इस वर्ष भी कोरोना के दंश के कारण ही हम लोग जिस बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए था उस प्रकार से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक अलग स्वरूप मंदिर की समिति ने तय किया है कि इसे दीपोत्सव के रूप में मनाया जाए। 11,000 दीपक जो राम झूले का एक हाथ बंद है उस भाग में एक साथ संयोजित तरीके से जिसकी अच्छी ज्योमेट्री हो और उस ज्योमेट्री के अनुरूप एक दिशा में सारे दीपक दिखे और उसमें विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनी हों, इसे संकल्पना से उसको साकार करने की कोशिश मंदिर समिति के सारे स्वयंसेवक मिलकर के करेंगे। कोरोनाला बघता पोद्दारेश्वर राम मंदिर इथे सर्व लोकांनी सर्वसंमतीनी असा निर्णय घेतला की यावर्षी शोभायात्रा नाही काढायची। बरेच लोकांचा त्याच्यामध्ये हे रोषही होता की शोभायात्रा काढली पाहिजे, पण कमी अल्पावधी काळामध्ये सगळ्या झाक्या बनवणं, सगळ्या व्यवस्था लावणं, मार्गव्यवस्थाच्या मीटिंगा लावणं ह्या शक्य नव्हत्या। आणि हे सगळं बघता आपण यावेळेस शोभायात्रा नाही काढायची असा पोद्दारेश्वर राम मंदिरच्या सगळ्या लोकांनी निर्णय घेतला। अरे त्याच्यानंतर लोकांनी शोभायात्रा नाही काढायची म्हटल्यानंतर लोकांनी म्हटलं की नाही कमीत कमी भगवानचा रथ तरी काढा, पण पोद्दारेश्वर राम मंदिरची एक गरिमा आहे। आपण एक वटवृक्षासारखं त्या शोभायात्रेला दरवर्षी आपण प्रेझेंट करतो आणि रथ काढून कुठेतरी आपण ती गरिमा तोडण्याचा आपण प्रयत्न केला असता किंवा समोर कधी जर समजून जा असं काही प्रसंग आला आणि शासनाने म्हटलं की झाक्या नाही काढायचा फक्त रथच काढा, तर त्यावेळेस मग आपल्याला अडचण गेली असती, कारण की आपण ती परंपरा सुरू करून टाकली असती। त्यांनी म्हटलं असतं की त्यावेळेस तुम्ही रथ काढला, आता का नाही काढला, का नाही काढू शकत, म्हणून आपण तो निर्णय आपण थांबवला। आणि पुढच्या वर्ष हे 100वं वर्ष आहे मंदिरच्या स्थापनेचं, त्यावेळेस आपण हा जो आपल्या कोरोना काळामध्ये गेलेला जो वेळ आहे ह्या सगळ्याला पकडून एक मोठ्या प्रमाणात भव्य शोभायात्रा काढू सगळ्या तुमच्या लोकांच्या आशीर्वादाने। यावर्षी आपण रथ काढत नाही आहे, शोभायात्रा करत नाही आहे, पण आपण एक कार्यक्रम पूर्ण 10 दिवस कार्यक्रम इथे भजन संध्याचे सुरू आहेत वेगळ्या वेगळ्या कमिटीचे, आणि रोज कार्यक्रम येतात, रोज लोक येतात। रामनवमीच्या दिवशी सकाळपासून जी प्रभात फेऱ्या येतात त्या साऱ्या प्रभात फेऱ्या येतील, सकाळी 4 वाजेपासून मंदिर ओपन होईल। संध्याकाळी आपण एक जो आपला बंद जो पूल आहे त्या पुलावर एक 11,000 दीपक लावून दीपक सो म्हणून आपण साजरा करतो आहे, त्याच्यामध्ये विभिन्न असे सगळे त्याच्यामध्ये रामसेवक इन्क्लुडिंग आहे।
आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये तो दीपोत्सव इथे तिथे होईल आणि सुंदर एक दृश्य पाहायला मिळेल। अब तक 2 अप्रैल की सुंदरकांड, 3 तारीख को श्याम शर्मा एवं हरी गुल्ला ने, 4 तारीख को पंकज उपाध्याय एवं उज्जवल खाकोलिया, 5 तारीख को प्रीतम बत्रा तथा रिंपू घे चंचल, 6 तारीख को कृष्णप्रिया तथा कोमल निरावे एवं 7 तारीख को राम झाम, श्याम तापड़िया तथा शुभम मणियार के भजनों की भजन संध्या के कार्यक्रम हो चुके हैं। साथ ही आज खुशी पांडे तथा रोहित मिश्र तथा कल 9 तारीख को सुरश्री डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, स्मिता गनुवाला एवं कमलेश पांडे द्वारा भजन संध्या की जाएगी। रामनवमी के दिन प्रातः 4 बजे उत्तापन मंगला आरती के पश्चात वैदिक मंत्रों से भगवान का अभिषेक होकर 6 बजे श्रृंगार आरती होगी। नवरात्र में नगर में विभिन्न क्षेत्रों में निकल रही प्रभात फेरी दल मंदिर में पधारेंगे। प्रातः 9 से 10 बजे तक श्री राम कृष्ण मठ संकीर्तन मंडल द्वारा श्री राम नाम संकीर्तन नाम होगा। प्रातः 10 से 12 तक नगर के गायकों के साथ सामूहिक रूप से हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन होगा। मध्यान्ह ठीक 12 बजे जन्मोत्सव की महाआरती होगी। बजरिया महिला समाज की बहनें बधाई गीतों का गायन करेगी तथा पंजीरी प्रसाद का वितरण होगा। इस वर्ष ठाकुर जी की नई पोशाक कमल किशोर हरकचंद लाहोटी परिवार द्वारा भेंट की गई है। मंदिर भवन की बाहरी विद्युत सजावट अशोक राम स्वरूप जी गोयल इनके सौजन्य से होगी। मंदिर सभा मंडप की सुगंधित पुष्पों की सजावट सेवा हर्ष ओम प्रकाश अग्रवाल की ओर से की जाएगी, तो अशोक कुमार भरत कुमार करवा परिवार की ओर से नए मुकुटों से श्रृंगार किया जाएगा। इस साल का विशेष आकर्षण यह है कि इस वर्ष राम झूला 7 से 11 हजार दीपकों से सजाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।